गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरे साथ है मेरे हबी, तो वो लोग तो अभी आए हैं कल शाम को, और आज फाइनली कितने दिनों के बाद? पाँच दिन नहीं, मतलब आप 5 दिन बाद आए, मतलब 7 डेज के बाद मैं घर से बाहर निकली हूँ वॉकिंग के लिए। नहीं तो सुबह का टाइम इतना बिजी रहता है कि कोई वॉकिंग का टाइम ही नहीं मिलता, और उसके बाद जो वॉक करेंगे तो मतलब इतनी गर्मी हो जाती है, इतनी धूप निकल जाती है कि क्या बोले। और आज का वेदर देखो, पूरा एकदम फॉगी वेदर है। तो हम अपने सोसाइटी से बाहर के रास्ते में वो मतलब वॉक करने के लिए आए हैं, और इस साइड को आप देख सकते हो चारों तरफ को पेड़ ही पेड़ है, तो एक तरह से अच्छा है वॉकिंग रनिंग के लिए। तो अकेले इस जगह को एक्सप्लोर करना मुश्किल है, क्योंकि मेरे को तो समझ ही नहीं आएगा कहाँ पे क्या है। तो आज अभी के साथ निकली हूँ, तो जरा देख लेती हूँ कि जब सैटरडे संडे रहेगा तो कहाँ पे वॉक करना है। और दूध गर्म करने के लिए दिया है, और यहाँ पर हमारी चाय बन रही है। यहाँ पर मैंने आलू को बॉईल किया है, और ये कल का थोड़ा सा दूध बचा हुआ है, बहुत ही गाढ़ा हो चुका है, तो इसको देखते हैं क्या करते हैं। तो मैंने फ्रेश कढ़ाई पे बिठाई है दूध। तो क्रिश यहाँ पर सो रहा है, और श्री उठने के बाद उसे म्यूजिक में बिठाया है। तो ये रही मेरी सुबह की गर्मा गर्म चाय, तो चाय को मैं एंजॉय करती हूँ। तो आज बच्चों के स्कूल की छुट्टी है, क्योंकि कृष का वैसे भी वो यूकेजी में पढ़ता है, तो यूकेजी की छुट्टी सैटरडे को छुट्टी रहती है, बट श्री के स्कूल की छुट्टी नहीं, छुट्टी सैटरडे को नहीं रहती है, उसकी स्कूल की स्कूल सैटरडे को होता है, बट आज नहीं है, क्योंकि आज क्या है बोलो? नॉन इंस्ट्रक्शनल डे। तो आज नॉन इंस्ट्रक्शनल डे है, तो इसीलिए उनके स्कूल की छुट्टी है। सेकेंड सैटरडे को भी स्कूल की छुट्टी रहती है, बट उसके बाद के जो सैटरडे है उसमें छुट्टी नहीं रहती है। तो अच्छा हुआ कि एक मुझे फ्री टाइम मिल गया, क्योंकि प्रीवियस स्कूल में श्री और कृष के स्कूल की सैटरडे एंड संडे दोनों छुट्टी रहती थी, यहाँ पर श्री की छुट्टी नहीं रहती। तो यहाँ पर कृष सो के उठ चुका है, बट देखो बिस्तर से नहीं उठ रहा, मेरे को ये साफ भी करना है बट नहीं उठ रहा। चलो उठ जाओ कृष, कृष उठो। स्कूल जब जाना होता है ना, मतलब यहाँ पे स्कूल का टाइम इतनी जल्दी है कि वो 6 बजे अब ऑटोमेटिक उठ जाता है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, उठ जाता है। और अभी देखो एक छुट्टी क्या मिली, वो तो पूरा सो गया, पूरा एकदम 3 दिन की छुट्टी, 3 दिन के स्कूल जाने का नींद पूरा उसने कंप्लीट कर लिया। उठो उठो। तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़े धो के सुखाने दे दिया है, श्री की ये स्कूल ड्रेस,
और यहाँ पर जितने भी छोटे कपड़े थे, हस्बैंड की पैंट, मेरा ट्राउज़र, ये सब मैंने इस रॉड में दे दिया है। सुबह जितना ज़्यादा फॉगी वेदर था, अभी लेकिन बहुत ही तेज़ धूप है। अगर आप देखो मेरा नहाना भी हो चुका है, तो माँ अभी सो रहे हैं, तो उनको रेस्ट की ज़रूरत है तो वो सो रहे हैं, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा बैठती हूँ। और मेरा एक वीडियो है, उसे मुझे एडिटिंग करके अपलोड करना है, तो चलो मैं ये वाला काम कर लेती हूँ। और मेरे मैंने आज हेयर वॉश किया है, और यहाँ पे बहुत गर्मी लग रही है। श्री कृष अपने पापा के साथ मार्केट में गए हुए हैं, ताकि हमारे कैंपस के अंदर, मेरे कैंपस के अंदर ट्रेड में चीज़ें थोड़ी सी बाहर, मतलब कि कॉस्टली हैं, तो बाहर की मार्केट जो कि थोड़ी सी चीपेस्ट होगी, वो मतलब जो यहाँ पे रहते हैं वो इसलिए बोल रहे हैं कि कैंपस में बहुत सब चीज़ें मिलता है, बट रेट वेरी करता है, थोड़ा सा ज़्यादा है। बट अगर हम कैंपस से बाहर जाते हैं तो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में वही चीज़ें मिल जाती है। तो वही देखने गए हैं कि मार्केट कितनी दूर है, कैसा है, तो वही श्री और कृष्ण अपने पापा के साथ गए हुए हैं। तो सुबह के ब्रेकफास्ट में मैंने पोहा बनाया था, और अभी मैं बनाने वाली हूँ इचर। तो यहाँ पर सब्जी मंडी बैठा था, तो अभी सब्जी लेके आ चुके हैं, तो अच्छा है, फ्रिज पूरा भर जाएगा। तोर पांडर मतलब क्या? तो यहाँ पर पंपकिन सीड को फ्राई कर रही हूँ, और इस साइड को मैंने चावल के लिए पानी बिठाया है, चावल बनेगा। और यहाँ पर मैं ईचर को काटूंगी, तो इसमें बहुत ज़्यादा रस है, तो इसमें काटने के लिए सरसों का तेल लगाना पड़ेगा। यहाँ पर राइस को मैंने भिगो के रखा है, और यहाँ पर कद्दू को मैंने काट लिया है। तो चलो लंच बनाना शुरू करते हैं, पहले ईचर को काट लेते हैं। तो बाबा माँ आज घर चले जा रहे हैं। टाटा। तो अभी शाम की चाय बन रही है, तो चाय बन रही है, हम उसके बाद रेडी होके बाहर जाने वाले हैं। हेलो, वी आर गोइंग टू आउटसाइड एंड हियर इज माय मम्मी। हाय, इट्स इन माय ब्लॉग, नॉट अ मम्मी ब्लॉग। आई लेट्स गो टू लिफ्ट। ओके, लुक एट आवर लिफ्ट। One is dangerous lift and second one is not a dangerous lift. Hey, let's go to the lift. There is a lot of number.
ground floor and it's a fan. I think this. Okay. And we are ready for lift and my mama. Look at that. So dangerous lift. तो अभी हम अपने कैंपस के अंदर ही घूमेंगे. तो बच्चे जब अपने पापा के साथ है, मार्केट ना जाए, चीज़ें ना खरीदे, ऐसा हो ही नहीं सकता. इसलिए वो लेके चले गए अपने पापा को शॉप में और चीज़ें लेने शुरू कर दिया. देख ही सकते हो. रॉकेट देखी किशु पिक्चर टा कैमोन ओके तो श्री अभी क्या कर रही है ड्राइंग दो फोन चार्ज ना এখান থেকে তোমাদেরকে দেখতে পাওয়া যাবে হাই করো वाओ की हवा चल रही तो रात का डिनर हमने कर लिया है और मैंने सारे के सारे बर्तन धो दिया है और रात का टोनिंग मॉइस्चराइजिंग भी मैंने कंप्लीट कर लिया है. अब मुझे अपने हेयर को जस्ट ब्रेड करके सोना है और यहीं पर अपना व्लॉग भी एंड करती हूँ. रात के यहाँ पर ना टाइम का पता भी नहीं चलता. रात के भी 11 बज चुके हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब अभी भी बाहर रास्ते में चहल पहल है. और जहाँ मैं पहले रहती थी वहाँ पे तो रात के 8 बजे ऐसा लगता था कि रात के 11-12 बज रहे हो. बट यहाँ पर इतना ज़्यादा मतलब नॉइज़ है, इतनी मतलब दुकानें खुली रहती हैं 11-12 बजे तक का. तो मतलब इस टाइप का ही है. तो चलो यहीं पर अपना व्लॉग भी एंड करते हैं. होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. बाय.